यूपी के जनपद मैनपुरी में ओरछा थाना क्षेत्र के नगला दुर्जन के पास हुई घटना मामूली विवाद में दो लोगों को कुल्हाड़ी से काटा, एक की मौके पर ही मौत, वहीं दूसरा हुआ गंभीर रूप से घायल। घायल को जिला अस्पताल में कराया भर्ती, जहां से डॉक्टरों ने सैफई किया रेफर। मृत युवक अपने बहनोई को अपनी मोटरसाइकिल पर बुलाकर ला रहा था अपने घर। हमलावरों ने रास्ते में दोनों पर किया लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला। हमले में बहनोई भी हुआ गंभीर घायल। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, परिजनों ने नाम दर्ज दी तहरीर। पुलिस ने सभी आरोपों के खिलाफ दर्ज किया मामला। पूरी घटना हुई। अच्छा, कैसे क्या घटना को अंजाम दिया गया? पहले हम गए थे लगन की 25 तारीख को, तो यहाँ से 25 तारीख को हम 7:30 बजे लौटे आए थे। लौटते टाइम हमारे लड़के थे दोनों, हमें पिछेला हमारे हम आगे लागे ना जाए, हम घर पे पहुँचे पिछेला तो दोनों लड़के में एक लड़का हमारा छोटू बाबू तो सूह से पकड़ गए। मारपीट की हमने रिपोर्ट रखवाते की, तो उनमें दो आदमी पकड़े गए, दो लड़के मशीन के उन्होंने साफ फिर क्या किया, जो ब्रह्मानंद का सिफारिश को ब्रह्मानंद को पकड़वा दिया मैंने, वह आजीवन कारावास। अच्छा, छूट के गए ताकि बाद ये घटना करती है। क्या हत्या की वजह रही? आप हत्या की तो ये रिपोर्ट कर दी हमने, इसलिए क्या की ये वजह रही। हमला हुआ है कुलाली से, उसमें एक की मौत हो गई और एक घायल, तो क्या पूरा मामला है? ये ग्राम बुढ़र्रा पड़ता है थाना ओछा में, वहाँ पर छोटेलाल जाटव का बेटा है अनूप और उसका एक दामाद है बड़े भाई का भाई मोहन, ये दोनों जसना से लौट रहे थे। तो कल रात में 8 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है, जो उसी गांव के अमर सिंह है जिनसे एक विवाद चला रहा था, उसके द्वारा और उसका एक भाई है और कुछ लड़कों द्वारा मिलकर के इनको रास्ते में रोक करके इनसे मारपीट की गई और कुल्हाड़ी से वार किया गया, जिसमें अनूप की मृत्यु हो गई है। ब्रजमोहन घायल है, उसको उपचार के बाद सफर रेफर कर दिया गया है और 55 की कार्रवाई चल रही है और FIR दर्ज होने के पश्चात हम सी गिरफ्तारी की प्रयास करेंगे।